हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। लर्न एंड अर्न वर्डप्रेस फॉर बिगनर। आज के इस टॉपिक पे हम बात करेंगे एसएसएल के टाइप क्या क्या है, एसएसएल का प्राइस क्या आता है और फ्री में आप एसएसएल कैसे यूज करें। फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक है व्हाट इज एसएसएल, सिक्योर सर्किट लेयर। एसएसएल क्या है, सो बेसिकली क्यों यूज होता है एंड इसके क्या बेनिफिट है, वो हम यहाँ पर पूरा डिस्कस करेंगे, एसएसएल के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे ये वर्डप्रेस सीरीज के लिए। सो दोस्तों, एचटीटीपी जो है ये एक सिक्योर कनेक्शन होता है। अगर आपने वेबसाइट्स ऑन किया हो, कोई भी वेबसाइट आपने देखा होगा, बहुत ही कॉमन चीज़ है एचटीटीपीएस आज के दौर में। तो ये एक सिक्योर वर्जन है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये HTTP का फुल फॉर्म है। ये हमारे वेबसाइट के अंदर लगता है। सो HTTPS जो है वो आज के डेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सिक्योर है और ये सिक्योर का इंडिकेशन देता है। मैक्सिमम जो देखा जाता है, जितने भी ई कॉमर्स या बैंकिंग सेक्टर्स की वेबसाइट्स रहते हैं या बड़ी कंपनियों के वेबसाइट्स रहते हैं, ये HTTPS यूज़ करते हैं। और आज की डेट में अगर मैं बात करूँ 2020 में, तो SSL वेरी कॉमन है। अगर आपके पास बेसिक वेबसाइट भी है, एक इंफॉर्मेशन वेबसाइट भी है, तब भी आप SSL लगाएं, मैंडेटरी हो गया है। अदरवाइज ब्राउज़र के एड्रेस बार में आपको क्रॉस साइन का सिंबल आता है और आपको वार्निंग मैसेज देता है, तो जिससे यूज़र्स का ट्रस्ट जो है आपकी वेबसाइट से हट जाता है अगर आपकी वेबसाइट पर SSL नहीं होगा। सो यहाँ पर आप देखिए, सेकेंड लाइन में दिया हुआ है HTTPS अलाउ सिक्योर ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन सच एज ऑनलाइन बैंकिंग फॉर प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्रॉड एंड हैकिंग अटेम्प्ट। अगर SSL आपकी वेबसाइट पर लगा होता है तो ये हैकिंग अटेम्प्ट के लिए भी या फ्रॉड जो होते हैं उनको भी रोकने का काम करता है। तो SSL बेसिकली क्या काम करता है, सिक्योरिटी का काम करता है, आपकी वेबसाइट को सिक्योर करने का काम करता है। सो ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो जाता है। अभी नेक्स्ट टॉपिक होता है टाइप ऑफ SSL। SSL में कितने टाइप्स होते हैं, तो SSL में काफ़ी टाइप होते हैं, आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ पर सिंपल बताऊंगा जो आपके काम का है। SSL 123 सर्टिफिकेट एक होता है, फिर एक वेब सर्वर सर्टिफिकेट आता है, फिर SGC सुपर सर्टिफिकेट आता है और लास्ट आता है वाइल्ड कार्ड सर्वर सर्टिफिकेट। इसके अलावा भी बहुत सारे सर्टिफिकेट्स आते हैं, बट हमें उसकी यहाँ पर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी इवन हमें एक ही काम करेगा और दूसरा, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला आपको मैं बता देता हूँ। तो SSL 123 सर्टिफिकेट जो है वो एक बेसिक लेवल पर सर्टिफिकेट है जो नॉर्मल वेबसाइट पे होता है। वेब सर्वर सर्टिफिकेट है जो सर्वर लेवल पर होता है कि एक सर्वर पे बहुत सारे एप्लीकेशंस रन होते हैं उसके लिए। एंड वाइल्ड कार्ड सर्टिफिकेट जो है सर्वर पर मल्टीपल सब डोमेन या फिर आपके फोल्डर्स को कवर करता है। तो SSL सर्टिफिकेट में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। अगर आप बिल्कुल भी टेक्निकल पर्सन नहीं है तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप इसके टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। मैं आपको फ्री SSL सर्टिफिकेट कैसे यूज़ करते हैं वो भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। सो अभी बात करते हैं हमारे यहाँ पर के SSL का प्राइजिंग क्या आता है। तो मैं स्टार्ट करूँगा बेसिक प्राइजिंग से। जो बेसिक प्राइजिंग आता है वो समझ लीजिए आपका 1000 रुपीज़ से 1500 के रेंज में बेसिक सर्टिफिकेट है। इसके चार पाँच कॉमन प्रोवाइडर हैं, थेटवे है, रैपिड SSL है, सेमेंटिक SSL है। तो जो सबसे सस्ता वाला जो सर्टिफिकेट आता है वो एक 1000 से 1500 के रेंज में एक बेसिक सर्टिफिकेट आता है, वो आपकी नॉर्मल वेबसाइट के लिए या ब्लॉग के लिए इनफ हो जाता है। अगर आपके पास ई कॉमर्स वेबसाइट है या फिर आप बिजनेस वेबसाइट, ऑनलाइन शॉपिंग, ये सब आपके वेबसाइट पर रखना चाहते हैं, तो आप थोड़ा अच्छे हायर लेवल पर जाएंगे तो 3000 का भी आता है, 5000 का भी आता है। अगर आप वाइल्ड कार्ड सर्टिफिकेट की बात करेंगे तो ये आपका 20-25 हज़ार तक का भी आता है। तो वो इतने कॉस्ट में अभी आपको जाने के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका अभी बिगनर कोर्स है, बिगनर्स लेवल पर है। तो आपको मैं फ्री SSL सर्टिफिकेट कैसे यूज़ करेंगे वो मैं बताता हूँ। सो फ्री सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइडर है होता है, एक सी पैनल के थ्रू से प्रोवाइड होता है। सी पैनल आपको, अगर आपका वेब होस्टिंग सी पैनल में है तो आप फ्री में SSL सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हैं। यही मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। सेकेंड ऑप्शन है जो लेट्स इनक्रिप्ट की तरफ से फ्री सर्टिफिकेट आता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी सी पैनल के साथ कंबाइन होता है। तो चलते हैं हमारे ब्राउजर की स्क्रीन पर। जो हमने अभी डोमेन आपको दिखाया था, होस्टिंग परचेस किया था, अभी उसी पर हम SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करेंगे। SSL सर्टिफिकेट देखेंगे किस तरह से एक्टिवेट होता है। सो फ्रेंड्स, ये मेरा डोमेन है glenrush.com। आप यहाँ पर ये क्रॉस साइन देख रहे होंगे, कनेक्शन इज नॉट सिक्योर, यहाँ पर लिखा भी आ रहा है। सो ये मेरे वेबसाइट का फ्रंट पेज है जिसके ऊपर ब्लैंक पेज अभी डाला हुआ है, कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर हम देखेंगे
कि किस तरह से SSL सर्टिफिकेट को हम यहाँ पर इनेबल करेंगे। तो इसके लिए हमें चलना होगा इसके सी पैनल में। लेट्स स्टार्ट विथ सी पैनल। तो दोस्तों हमने यहाँ पर सी पैनल के थ्रू हमने लॉगिन किया हुआ है। ये हमारा सी पैनल का डैशबोर्ड इंटरफेस है। इसके ऊपर मैंने कोई वीडियो अभी बनाया नहीं है, आप कंफ्यूज मत होइए बहुत सारे आइकॉन्स देखकर। सो सबसे पहले आप जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पर आप टाइप कर लीजिए SSL। सो आपको SSL में दो ऑप्शन आएंगे, SSL TLS एंड SSL TLS स्टेटस। तो आपको सबसे पहले स्टेटस पे क्लिक कर देना है। अगर आप सी पैनल में होस्टिंग लेते हैं तो सी पैनल जो प्रोवाइड करता है फ्री में, वो ऑटो SSL के नाम से SSL सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करता है। सो यहाँ पर देखिए मेरा SSL सर्टिफिकेट जो है वो ऑलरेडी एक्टिवेट है, एक्सपायर ऑन अगस्त 11, 2020। सो यहाँ पर हमारा SSL सर्टिफिकेट ऑलरेडी इंस्टॉल है। यहाँ पर हम क्लिक करके वीव सर्टिफिकेट पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप SSL देखेंगे तो यहाँ पर ये हमारे सब डोमेन को भी कवर करता है, जितने भी सब डोमेन बनते हैं एंड WW, non-WW। और यहाँ पर आपको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, सर्टिफिकेट का डिटेल्स चेक कर सकते हैं। और एंड ये प्रोवाइडर जो है वो सी पैनल की तरफ से ये प्रोवाइड हुआ है। सो अभी हम इसको वेबसाइट को वापस से ऑन करेंगे WW. के साथ और देखेंगे कि ये सी पैनल के थ्रू मिला हुआ SSL सर्टिफिकेट वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। स्टिल ये नहीं वर्क कर रहा है, उसका रीज़न एक ये है कि ये हमें यहाँ पर मैन्युअली डालना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, जैसा अभी आपने देखा कि HTTPS लगाकर ये वार्निंग जो है चला गया और यहाँ पर जो एक लॉक आ रहा है ये ग्रीन कलर का आ रहा है, वेरीफाइड बाय सीपैनल इंक। सो यहाँ पर आपका कनेक्शन जो है सिक्योर है इस वेबसाइट के साथ। अभी इसमें एक आपको क्वेश्चन निकल कर आ रहा होगा कि अगर हमने विदाउट WW या मैन्युअली वेबसाइट में HTTPS नहीं डाला तब ये HTTPS नहीं लिया, और अगर हमने मैन्युअली HTTPS डाला तो HTTPS ले लिया। तो इसके भी एक सोल्यूशन है, इसका रीज़न है, इसको एडवांस लेवल पर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप ऑटोमेटिकली फोर्सफुली उसको रीडायरेक्ट कर सकते हैं HTTP रिक्वेस्ट को HTTPS में कुछ कस्टम कोडिंग के थ्रू। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने देख व्हाट इज SSL, SSL क्या है, कैसे वर्क करता है, क्यों यूज़ करते हैं, टाइप ऑफ SSL, प्राइस एंड फ्री SSL होस्टिंग। सो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू। गुड बाय।